इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई अपडेट जारी की है, जिसमें आप अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड नए तरीके से बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन से चंद मिनटों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मुकर्रम दानिश और आप देख रहे हैं दानिश मॉनिटर। दोस्तों, पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ओके प्ले स्टोर ओपन करेंगे और ऊपर में आप लिखेंगे वोटर हेल्पलाइन, रिसेंट में देखने को मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल आप किसको कर लेंगे। फाइनली इंस्टॉल हो गया दोस्त, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा, ओके। लॉगिन करने के लिए कहेगा, आप पहले टर्म एग्री करेंगे, एग्री नेक्स्ट, ओके। आप चाहे तो इसको लॉगिन कर सकते हैं, वरना एस्कीप लॉगिन करके यूज कर सकते हैं इसको। एस्कीप लॉगिन कर लेंगे तो ये देखिए आपको बताएगा यहाँ पे, इसको गोइट कर देंगे। उसके बाद फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे, फॉर्म्स पर एक क्लिक करने के बाद ऊपर अप्लाई ऑनलाइन न्यू आ रहा है, उस पर ओके करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन, ओके, एंटर योर नेम, नेम डाल देंगे अपना, अपना नेम डाल देंगे, ओके। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करने का नया तरीका स्टार्ट हो गया है, लिस्ट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ओके। यू आर अप्लाइंग फॉर न्यू वोटर आई डी फर्स्ट टाइम, यस। आप इंडिया के सिटीजन है, यस, ओके। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको सामने आएगा, इसमें आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जैसा कि मेरे बिहार है, बिहार। अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, ओके, ओके, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप इसमें डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग। तो अपना डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आप उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th और 5A ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब दे सकते हैं। तो चलिए मैं पैन कार्ड इसमें चूज कर लेता हूँ। या तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं या डिजी लॉकर से भी फेच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। अपलोड पर क्लिक करेंगे, ओके, अलाउ। देखिए ये आ जाएगा, आपको फ़ोटो में जाएंगे जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। तो मैंने देखिए यहाँ पर अपलोड कर दिया है पैन कार्ड, और इसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको एक अपना फ़ोटो पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा। जो आप पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे वही आपके वोटर आईडी कार्ड पे आएगा। तो मैं अपलोड पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, अपलोड फोटो, फ़ोटो देखिए मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल। आप फिर उसके बाद आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे फाइनली, ओके। आप ऑटोमेटिक आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, देखिए ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको लगता है कि ये गलत है तो आप अपने फ़ोन में सेटिंग कर लेंगे हिंदी करने का, तो आपको उसमें हो जाएगा। या अपने फ़ोन में गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल कर लेंगे, आप कर सकते हैं इसको एडिट। उसके बाद आपके अगर सरनेम कोई है, लास्ट नेम या सरनेम, तो डाल देंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, ओके, ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देंगे यहाँ पे, और उसके पास आपको भी डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, ओके। और डिसेबिलिटी कुछ है तो आप डिसेबिलिटी दे देंगे, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आप अपना रिलेटिव का नाम देना चाहते हैं, आप रिलेटिव में किसका रखना नाम चाहते हैं, रिश्तेदार का नाम में क्या देना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने फादर का नाम देता हूँ रिश्तेदार में अपने। उसके बाद ऑटोमेटिक ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आपको सही कर सकते हैं, ओके। उसके बाद रिलेटिव में आपका रिलेटिव टाइप कौन है, आपके क्या रिलेशन में लगते हैं, फादर, मदर, हस्बैंड या अदर। फादर में दे दिया, उसके बाद ओके। देखिए यहाँ पे आप अपना अब एड्रेस देना पड़ेगा, फुल एड्रेस आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, करेंट एड्रेस देना पड़ेगा, हाउस नंबर, एस्ट्रीट, लोकेलिटी, एरिया लोकेलिटी, टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, एरिया टाइप्स, इसमें सब टोटल आप जो सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैं भर देता हूँ। फिर टाइप कर लेंगे एरिया टाइप क्या है आपका, विलेज है, टाउन है, सिटी है, विलेज में सेलेक्ट कर देता हूँ। एस्टेट अपना कर लेंगे चूज, एस्टेट चूज, जैसे कि मैं बिहार किए हुआ था, ओके, बिहार। बिहार में आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहे हैं, तो मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट, ओके। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, असेंबली क्या है, तो असेंबली आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ओके। उसके पास आप एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस, करंट पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, गैस कलेक्शन बिल, टोटल आप दे सकते हैं। जिसमें कि आप, मैं आधार कार्ड दे देता हूँ उसमें अपने एड्रेस प्रूफ में, ओके। इसमें भी आप अपलोड कर सकते हैं या डीजी लॉकर से फैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड पर क्लिक करेंगे, आप जहाँ भी आपका आधार कार्ड रखा होगा वहाँ पर जाएंगे, आधार कार्ड
अपना आधार कार्ड अपना अपलोड कर दिया, उसके बाद सब कुछ देख लेंगे सही, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट का नाम देना होगा। यहाँ पे एप्लीकेंट आप अपना नाम दे देंगे यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम। ओके, और किस पैलेस से कर रहे हैं वहाँ पे आप लिख देंगे। ओके, उसके बाद देने के बाद डन करने के बाद एक बार आपको फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ आपको लगता सही है, सब कुछ आपको सही लगता है तो आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, एक बार बढ़िया से चेक कर लेंगे आप कोई चीज़ गलत तो नहीं है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आ गया, थैंक यू एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, रेफरेंस आईडी आपको एप्लीकेशन ट्रैक करने में काम आएगा। और इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। ओके, उसके बाद आप जब कभी भी अपना एप्लीकेशन ट्रैक करना चाहते हैं, कहाँ है मेरा आईडी कार्ड, पूरा समय ये पूरा करने में कुल मिला के चार महीने तक का समय लगभग लग जाता है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे आएंगे, स्टेटस एप्लीकेशन पे आएंगे और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी डाल करके चेक कर सकते हैं, या अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप रिसेंट में जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो आपको आ जाएगा। जैसे मैं फॉर्म अप्लाई करता हूँ तो यहाँ देखिए फुल सबमिटेड लिखा गया। उसके बाद बीएलओ अपॉइंटमेंट होगा, फील्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। टोटल करने में ये चार महीने तक का प्रोसेस, तीन से चार महीने तक का प्रोसेस लग जाता है। उसके बाद आपके एड्रेस पर इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप डुप्लीकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।